मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। बहुत लोगों को आज के जमाने में खास खास बीमारियां हैं, जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना। अगर किसी को भी ये बीमारी है तो उनको आप बोलिए सुबह सुबह की लार हाथ में लगा के ऐसे मालिश करना, हल्के हल्के 3-4 महीने करा दीजिए, डार्क सर्कल निकल जाए। किसी को आंखों में चश्मा है और वो हटाना चाहते हैं तो सुबह की लार को आंखों में लगाइए काजल की तरह से, आपका चश्मा उतर जाएगा। क्योंकि चश्मा आंख में लगता ही तब है जब आंख के लिक्विड की एसिडिटी बढ़ी हुई है, और ये लार एल्केलाइन है, ये एसिडिटी को ऐसे ही कंट्रोल कर लेता, चश्मा उतार देता। सुबह की लार का और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, आप सुबह की लार उस पर अप्लाई कर दो, ठीक कर देगा। और कई तरह से इसका उपयोग होता है, जैसे किसी को कील मुहासे हो जाए, पिंपल्स हो जाए और बहुत खराब चेहरा हो जाए, उनको कहिए सुबह की लार लगा के मालिश करो, कील मुहासे का दाग भी मिटा देती है। मैंने जले हुए का दाग मिटाया है, समय लगता है 3 साल। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको हाथ जल गया था, दूध, गर्म दूध से हाथ जल गया था, तो ठीक हो गया लेकिन निशान नहीं मिट रहा था। और उस पेशेंट, वो पेशेंट को जरूरी था कि वो निशान मिटना ही चाहिए। वो पेशेंट एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वाले सब परेशान थे कि ससुराल वालों ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप बता दो उनको। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें बताना नहीं। तो मैंने कहा सुबह की लार लगा लो, ठीक कर देगा। हाँ ठीक कर देगा, मैंने कहा कर देगा, इसमें मुफ्त का है, कुछ भी खर्चा नहीं, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, आप कर लो इसको। तो उसने किया, नियमित रूप से किया, 7 से 8 महीने में जले हुए का सारा निशान मिट गया, स्किन एकदम नॉर्मल हो गई। आपको कभी देखने में आया है कि जानवरों को जब भी चोट लगती है वो चाटने लगते हैं अपनी चोट को और चाट के ही ठीक कर लेते हैं? तो जानवरों का भी यही कहानी है जो मनुष्य का है। जानवरों की लार भी एल्केलाइन है, क्षारीय है, और चोट को चाट कर वो ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर उसकी सारी बीमारी मिटा देती है, मनुष्य भी कर सकता है, बस इसमें थोड़ा सेंसिबल होने की जरूरत है। मैंने बहुत पेशेंट पे इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक पेशेंट मेरे पास है, कैंसर का है, उसको कीमोथेरेपी हुआ, तो कीमोथेरेपी में आप जानते बाल बाल सब उड़ गए, लेकिन अभी वो ठीक स्थिति में है, अब उसको बाल वापस लाने हैं। तो मैंने कहा भाई लार लगाओ, तो वो लगा रहा है और धीरे धीरे नए बाल आ रहे हैं। तो सुबह की लार के बारे में मैंने बचपन में सुना था, मेरी दादी बोलती थी कि इसको थूकना नहीं तो पाप पड़ेगा, ऐसा बोलती थी मेरी दादी। अब वो उसको समझ में नहीं है भाई पाप पड़ेगा पुण्य होगा, मेरे अब समझ में आया वो क्यों बोलती थी पाप पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए कीमती है। तो इसलिए आप सुबह की लार के बारे में थोड़े कॉशस हो जाइए, इसको ब्रश करके पेस्ट करके थूकिए मत वॉश बेसिन में, कितना वेस्ट कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं गुटखा खाके, तंबाकू खाके, जगह जगह थूक 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 थूक, तो शरीर शहर गंदा कर रहे हैं, शरीर का नुकसान। आपके शरीर में भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है, आप भगवान का धन्यवाद करिए। मेरे पास 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर की लास्ट स्टेज में है और उनके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि उनकी लार ग्रंथियां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। अब उनको चाय भी पिलाओ, दूध भी पिलाओ तो सब बाहर आ जाता, कुछ भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि लार ही नहीं है मुंह में। है दोनों करोड़पति, तो मुझसे कहते हैं कुछ बता दो कुछ बता दो। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, ज्यादा पैसा है आपके पास तो अमेरिका से इम्पोर्ट करो, लार का सैशे आता है अमेरिका में, मिलता है अमेरिका में, कुछ कंपनियां हैं जो लार का बिजनेस करती है। वो मनुष्य की ही लार होती है, उसको जैसे शैम्पू का शैशे होता है ना, उसमें भर के बेचती है। 5 मिलीग्राम का एक शैशे 10,000 रुपए का है। तो वो दोनों कैंसर पेशेंट हर दिन 10 से 12 शैशे कंज्यूम कर लेते हैं, 60 से 70 हजार खर्च करते हैं, लेकिन स्थिति अगले दिन सुबह फिर वही हो जाती है, मुंह पूरे का पूरा सूखा रहता है। माने दूसरे की लार किसी दूसरे को काम नहीं आती, लेकिन वो अपने संतोष के लिए करते जरूर है ये काम। तो भगवान ने आपको ये व्यवस्था दी है, इसको खराब मत करना। अब ये व्यवस्था खराब कहाँ होती है और कैसे होती है वो जरूर, लार बनना सबसे ज्यादा कम होता है तब जब आप कोई ऐसी वस्तु का उपयोग करें अपने मुंह में जो एंटी एल्केलाइन है। एंटी एल्केलाइन माने
क्षार के विरुद्ध कोई भी वस्तु आप उपयोग करेंगे मुंह में, तो लार का बनना कम होगा, उसका उत्पन्न कम होगा। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं हमारे जीवन में, आप जितने भी टूथपेस्ट करते हैं ये सब एंटी अल्कलाइन, ये सब आपकी लार की उत्पन्न करने की क्षमता को घटाते हैं। कॉलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो, सिबाका हो, फॉरहंस हो, सारे के सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो एल्कलिनिटी को घटाते हैं। इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि पेस्ट मत करिए, क्योंकि आपकी लार बनना कम हो जाएगी पेस्ट करने से। और पेस्ट में ऐसा क्या है जो लार को घटाता है? पेस्ट में एक केमिकल मिलाया जाता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट को जहर माना जाता है दुनिया में। ये थोड़ी भी मात्रा में जीभ पर आप डाल दें तो लार ग्रंथियों को सुखा देता है पूरी तरह से। इसलिए दुनिया में जो भी सेंसिबल डॉक्टर्स हैं, दांतों के डेंटिस्ट, वो सब ब्रश करते हैं, ब्रश को कभी पेस्ट नहीं लगाते। अमेरिका यूरोप के बहुत सारे डेंटिस्ट को मैं जानता हूं थ्रू ईमेल, और मैं उनसे बार बार पूछता हूं आप क्या करते हो, पेशेंट को क्या बताते हो, आप क्या करते हो? वो कहते हैं वी डू नॉट यूज एनी टूथपेस्ट, हम नहीं यूज करते, हम इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों? वो कहते हैं तुमको नहीं मालूम लार बनना कम हो जाता है? तो मैं पूछता आप करते क्या, तो उनका खाली ब्रश रगड़ते हैं, पेस्ट नहीं लगाते उस पर। और अमेरिका में तो आपको मालूम है कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट सभी टूथपेस्ट पर वार्निंग प्रिंट होती है, स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी, उस पर लिखा होता है प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, 6 साल से कम उम्र के बच्चे को ये कॉलगेट नहीं देना। सेकेंड स्टेटमेंट होता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से बच्चे ने यह पेस्ट कर लिया तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना उसको। थर्ड वार्निंग होती है इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश एट योर ओन रिस्क इन पी साइज, पी साइज माने चने या मटर के दाने से भी छोटा, इतनी सी मात्रा में ही ब्रश पर पेस्ट लेना, वो भी अपने रिस्क पर लेना। इतनी शार्प वार्निंग प्रिंट होती है टूथपेस्ट पर। हिंदुस्तान में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, टीवी में दिखाते हैं ब्रश भर भर के पेस्ट, अमेरिका में कहते बिल्कुल थोड़ा सा ले, क्योंकि इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है और वो आपकी लार उत्पादन क्षमता को खत्म कर देगा, तो थोड़ा सा ही लेना। हमको टीवी बताता ब्रश भर भर के लेना और दिन में 3-3 बार लेना, सुबह भी लेना, दोपहर को लेना, शाम को लेना। तो ये टीवी के जो एडवर्टीजमेंट है जिससे हम फंसे हैं, इसमें से बाहर निकलिए, जो सेंसिबिलिटी है और आपकी इंटेलिजेंसी है उसका यूज करिए। लार को बढ़ाने वाली चीजों से दांत साफ करिए, ना कि घटाने वाली चीजों से। तो आप बोलेंगे कौन सी चीजें हैं जो लार को बढ़ाती है? नीम का दातुन सबसे ज्यादा लार बढ़ाता है, करके देख लीजिए। नीम के दातुन को जैसे ही आप दांत के बीच में फंसाएंगे तुरंत लार बनना शुरू हो जाए, नॉर्मल जितनी बनती है उससे 3 गुना ज्यादा बनेगी, करके देखिए। और जैसे जैसे आप उसको चबाते जाएंगे लार का प्रोडक्शन बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। इसलिए बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन। ऐसे ही बबूल का दातुन, बबूल का दातुन जितना चबाएंगे लार का उत्पादन उतना ही बढ़ेगा। फिर आप बोलेंगे नीम का दातुन चबाते समय लार को क्या करना, पीते रहिए उसको, थूकिए मत। आपको इतनी क्वालिटी है उसमें, एक तो नीम का रस आ गया, ऊपर से लार भी है, दोनों बेस्ट एल्कलाइन प्रोडक्ट है। नीम के दातुन को चबाते हुए जो लार को पी सकते हैं, मैं उनको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं जिंदगी में डायबिटीज कभी हो नहीं सकती। अर्थराइटिस होगा नहीं कभी आप, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगी नहीं ब्लड की, एल्कलाइन रहेगा ब्लड, और ब्लड एल्कलाइन रहेगा तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नीम को भारत में दातुन के लिए सबसे अच्छा माना। तो नीम का दातुन करिए, बेस्ट है। सुबह उठते ही पानी पिए, क्यों पीना है? 2 कारण। पहला कारण है रात भर आप सो गए तो मुंह में लार बन गई, वो इकट्ठी हो गई दोनों तरफ, भरपूर मात्रा में इकट्ठी हो गई। अब आप उठते ही पानी पी लेंगे तो सब अंदर जाएगी, और दांत साफ करने लगेंगे तो ये सब बाहर निकल जाएगी, थूकना पड़ेगा आपको। इसलिए उठते ही दांत साफ नहीं करना, मुंह नहीं धोना, पहले पानी पी लेना ताकि सब लार अंदर चली जाए। सुबह की लार जो है ना बहुत एल्कलाइन, बहुत ज्यादा। सुबह की लार का मैंने पीएच निकाला तो 8.4 के आसपास, इतना एल्कलाइन। और ये इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली है सुबह की लार,
कि कहीं भी आप इसको अप्लाई करिए, इसके मेडिसिनल रिजल्ट है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।